मुझे याद आता है कि बचपन में मैंने एक कॉमिक्स पढ़ी थी, विनाश। विनाश का थीम कुछ ऐसा था कि सभी विलेन्स जो थे, सुपर कमांडो ध्रुव के विलेन, नागराज के विलेन, डोगा, चाचा चौधरी, सभी के विलेन्स, या ग्रैंड मास्टर रोबो थे, या राका, या जो भी लोग, सारे लोग एक साथ आते हैं हीरोज़ के साथ। क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त सृष्टि के विनाश, महाविनाश का खतरा था। तो जब सृष्टि पे आई, पूरी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया, तो सारे लोग आपसे डिफरेंसेस को भूल कर साथ आ गए। और एक बच्चे के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है कि क्यों सब लड़ रहे हैं, क्यों नहीं साथ में मिलकर काम करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग एक साथ हैं, वाह, बहुत अच्छी बात है। आज जब मैं कोरोना वायरस के खतरे में जब विश्व को देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि सारे लोग करीब आ गए हैं। पहली बार शायद हमारे और आपके जीवन में ये पहली बार हुआ है कि सारे लोग अपने आपसी डिफरेंसेस को भूल कर एक साथ आए हैं। अब बात यह है कि जब सारे लोग एक साथ हैं, तो इस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना हो। प्लीज़ एक दूसरे को नर्वस अपडेट्स देना बंद कीजिए, एक दूसरे को डराना बंद कीजिए, प्लीज़। ये भारत वो देश है जिसने हमेशा से ये कहा है, न हन्यते हन्य माने शरीरे और अमृतस्य पुत्रा वयम्। ये देश ही एक ऐसा देश था जिसने शरीर से ज़्यादा स्पिरिट को माना। ये देश कैसे डर सकता है? और हम आज अगर डर गए तो दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा? यहाँ बात देश देशभक्ति की है नहीं, यहाँ बात है वर्ल्ड को लाइट दिखाने की। और ये समय ऐसा है जब हमें मजबूत रहना पड़ेगा। हमने जो, जैसे मैंने कहा, अमृतस्य पुत्रा वयम, वो हमें किस बात का डर है? किस बात का डर है हमें? जब लिखा होगा जिसको जाने का वो जाएगा, हम जब तक हैं हम लड़ेंगे। जो भी हो इस कोरोना वायरस के जो फेजेस में है, अभी जितना लंबा भी लॉकडाउन हो, हम लड़ेंगे। जो भी हो, हम क्वारंटाइन में जाएंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे। उस आग से गुजरना हो हम गुजरेंगे, हम तपेंगे, हम जलेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं और एक दूसरे को डराएंगे नहीं। प्लीज़, अगर आप ये बता रहे हैं कि इतने सारे केसेस बढ़ गए, तो आप पॉजिटिविटी भी फैलाइए। आप ये भी बताइए कि वर्ल्ड में 80,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। आप ये भी बताइए कि इतने सारे लोग बिना किसी हॉस्पिटल और मेडिसिन की दवा लिए, बिना हॉस्पिटल गए, रिकवर हो चुके हैं। कैसे आप ये 95 ईयर्स के एक मेल दादाजी वो रिकवर हो गए इटली में? आप ये भी बताइए कि यूएस में कहीं पे 103 ईयर्स की एक ओल्ड वुमेन, वो रिकवर हुई। तो ये अगर पॉजिटिविटी की बातें आपको बकवास लगती है, तो निगेटिविटी कैसे सही होगा? निगेटिविटी की बातें भी बकवास है। प्लीज़, एक दूसरे को डराना, पैनिक, ये हो जाएगा, इतने मिलियंस डेथ हो गए, इतने मिलियंस डेथ हो गए, जो होगा होगा, हम लड़ेंगे। और एक बात याद रखिए, मेडिकल लैब्स की वजह से तो 1,000 मरेंगे, बीमारी से 1,000 मरेंगे, घबराहट में 9,000 मरेंगे। प्लीज़, ये मत फैलाइए इस तरह की बातें, कमज़ोर मत बनाइए इंसान को। इंसान, ह्यूमन बींग्स, इज अ केस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। हम वैसे प्राणी हैं, ह्यूमन, वी आर नॉट दैट फॉलिबल, ओ आई एम जस्ट ह्यूमन, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। वी आर ह्यूमन्स, हम इस एग्जिस्टेंस के सबसे सबसे स्ट्रांगेस्ट क्रिएचर हैं। हमारे पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है। इतना कमज़ोर अपने आप को मत आंकिए। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड इतना फिनोमिनल अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन से गुजरा है कि हम एक नई आपदा आई और हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस डर में, हम इस डर से नहीं जी सकते। बहुत मेडिकल साइंस की अपनी एक टाइमलाइन की सीमाएं होती है, और मोस्ट प्रोबेबली नए वैक्सीन आने में 18 से 21 मंथ्स का टाइम लगे, ड्यूरिंग विच हमें अपनी इच्छा शक्ति से ही रिकवर करना पड़ेगा।